औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि प्यारे बच्चों हम टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और कल भी मैंने आपके साथ टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन को डिस्कस किया और इसमें मैंने इस का जो जो टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में हमने टू टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में डिस्कस किया सबसे पहले हमने प्राइमरी डाटा के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हमने सेकेंडरी डाटा के बारे में डिस्कस किया और आज हम इसके कुछ और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे It, today our topic is techniques of data collection or आज का जो हमारा टॉपिक है जो टेक्निक्स डाटा कलेक्शन है इसमें आज हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस करेंगे यानी जो टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन है ये एक आ, आ, इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है ये भी एक डाटा ये भी एक टेक्निक है आप डाटा कलेक्शन की ये भी एक टेक्निक है आप डाटा कलेक्शन की और इसको हम जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसको हम प्राइमरी प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा बोलते हैं प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा बोलते हैं किसको जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है यानी टुडे आवर टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन मेथड टुडे आवर टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन मेथड सो फार एज टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन आर कंसर्नड या इज कंसर्नड ठीक तो देखो ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन स्टडीज रिलेटिंग टू बिहेवियरल साइंसिस यानी जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें बाजबता तौर मुशाह किया जाता है ये वो टेक्निक है जिसमें आप मुशायदा करते हो किस चीज के लिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए डाटा कलेक्शन के लिए और जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है ये मोस्ट कॉमनली वो मेथड है या इसका जो इस्तेमाल होता है ये किसमें होता है इन स्टडीज यानी इसका इस्तेमाल जो होता है स्टडी करने में किसके लिए रिलेटिंग टू बिहेवियरल साइंस रिलेटेड टू बिहेवियरल साइंस जिसको आप बोलते हैं जिसको आप तर्ज अमल बोलते हैं यानी इसमें तर्ज अमल का मुशाह किया जाता है जो तर्ज अमल होता है यानी इस मेथड में इस मेथड का इस्तेमाल किस स्टडी के लिए होता है रिलेटिंग टू बिहेवियरल साइंसेज यानी जो तर्ज अमल होता है इसमें तर्ज अमल का मुशायदा किया जाता है ये वो टेक्निक मानी जाती है और इट बिकम्स द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर द रिसर्चर एक रिसर्चर जो होता है जब वो अपनी रिसर्च करता है जब वो अपनी रिसर्च करता है और इस ऑब्जर्वेशन मेथड में वो क्या करता है वो स्टडी करता है जो एक इंडिविजुअल जो होता है या एक सब्जेक्ट जो होता है उसका या एक टॉपिक जो होता है उसका एक रिसर्चर का वो उस टॉपिक के रिलेटेड उसका जो बिहेवियरल साइंसेस होते हैं उसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करता है ठीक तो उसके रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट करता है उसकी जो बिहेवियरल साइंसेस होती है उसके रिलेटेड वो डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्ट करता है और जो एक रिसर्चर uh, जो होता है इट बिकम्स द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ये उसके लिए uh, उसके लिए ये वो मेथड बन जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर द रिसर्चर व्हेन इट सर्वज अ फॉर्मुलेटेड रिसर्च फार्मोलेटेड रिसर्च पर्पज फार्मूलेटेड रिसर्च पर्पज, यानी जो उसकी तैयार तहकीक होती है उसके लिए वो सर्व करता है इसमें सिस्टमेटिकली प्लान रिकॉर्डेड एंड सब्जेक्टेड टू चेक्स एंड कंट्रोल्स ऑन वैलिडिटी एंड रिलीबिलिटी यानी हर एक चीज का वो मुशाह करता है इसमें सिस्टमेटिकली वो आ, हर एक डाटा को प्लान करता है रिकॉर्ड करता है चेक करता है कंट्रोल करता है उसकी जो वैलिडिटी होती है या उसकी जो रिलेबिलिटी होती है उसकी जो रिलेबिलिटी होती है उसके जो एतबार होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है उसका जो कंट्रोल होता है मतलब बाजबता तौर वो देखता है इसमें बाजबता तौर उस चीज़ का वो मुशाह करता है एक रिसर्चर जो होता है इसलिए हम कहते हैं कि जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन स्टडीज रिलेटिंग टू बिहेवियर साइंस it becomes the method of data collection for the researcher when it serves a formulated research purpose systematically planned recorded and subjected to the checks and controls on validity and reliability or isme इस ऑब्जर्वेशन मेथड में इन ऑब्जर्वेशन मेथड जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन इज सॉट बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से सीख की जाती है वो किस तरह से ढूंढी जाती है बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ओन डायरेक्ट कीप इन माइंड कीप इन माइंड मेनी थिंग्स लाइक वट शुड बी ऑब्जर्व हाउ द ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉर्डेड यानी वहां पर उसको ये दिमाग में रखना होता है कि वट शुड बी ऑब्जर्वड क्या ऑब्जर्व करना है किस चीज का मुशाह करना है एंड हाउ द ऑब्जर्वेशन शुड रिकॉर्डेड किस तरह से फिर उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इन चीजों को उनको उसको माइंड में रखना होता है इन चीजों को उसको माइंड में रखना होता है एंड हाउ एक्यूरेसी ऑब्जर्वेशन कैन भी इंश्योर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये जो ऑब्जर्वेशन है उसकी जो एक्यूरेसी है उसको किस तरह से इंश्योर किया जाए उसको किस तरह से इंश्योर किया जाए ये चीजें उसको जहन में रखनी होती है ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जर्वेशन मेथड में यानी एक रिसर्चर जो होता है जब वो किसी टॉपिक पर या जब वो किसी सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट पर रिसर्च करता है एक रिसर्चर जो होता है उसकी जो जो फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पज जो होती है वो सिस्टमेटिकली प्लानड होनी चाहिए वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए बाजबा उसका चेक होना चाहिए उसके ऊपर उसको कंट्रोल होना चाहिए उसकी जो वैलिडिटी है उसके ऊपर भी, कंट्रोल होना चाहिए और वो बाजा तौर रिलेबिलिटी होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन मेथड में एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको हर एक चीज जहन में रखनी होती है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है कोई भी टॉपिक जो है उसको किस तरह से करना है और उस ऑब्जर्वेशन को किस तरह से फिर रिकॉर्ड करना है या उसकी जो एक्यूरेसी है उसको किस तरह से इंश्योर करना है तो जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है इसके दो टाइप्स है ऑब्जर्वेशन मेथड के दो टाइप यानी हम टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आज ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी भी दो किस्में हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के और एक क्या है वो है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप साख्ता मुशाहिदा बोलते हो या जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है उसको आप गैर साख्ता मुशाह बोलते हैं और जो ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है ये क्या होता है इन दिस ऑब्जर्वेशन मेथड इस ऑब्जर्वेशन मेथड में जो केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है यानी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स जो होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसका मुशाह किया जाता है और जो स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वड इंफॉर्मेशन जो है यानी जो ऑब्जर्वड इंफॉर्मेशन जो है जो मतलब जो इंफॉर्मेशन है जिसके मुझे मुशाह किया जाता है उसका जो बाबा तौर तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और जो स्टेंडर्डाइज कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है और जो सेलेक्शन ऑफ पर्टिनेंट डाटा जो है आप ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं इनको ऑब्जर्व किया जाता है इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है ठीक और इसलिए हम कहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन है इस ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है जो केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट जो होते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है जो स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वड इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है जो स्टेंडर्डाइज कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है सिलेक्शन ऑफ पर्टनेंट डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इज इंक्लूडेड ये सारी चीज़ में इसमें इंक्लूड होती है और इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है वो है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जिसको आप गैर जिसको आप गैर साख्ता मुशाह बोलते हो इसमें क्या होता है वेन ऑब्जर्वेशन इज टेकन प्लेस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट यानी जब ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस की जाती है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट तो उसको हम यानी वेन ऑब्जर्वेशन इज टेकन प्लेस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिटस टू बी ऑब्जर्व इड और जो स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग जो है ये भी टेक प्लेस होती है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स और जो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है या सिलेक्शन ऑफ पर्टिनेंट डाटा जो है इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ये ने, ये सारी चीजें जो है जब इनको विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं और ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसके कुछ एडवेंटेज भी हैं पहला एडवांटेज इसका क्या है इट एलोज द रिसर्चर टू स्टडी पीपुल इन दियर नेचुरल सेटिंग यानी ये एलो करता है एक रिसर्चर को कि आप लोगों की स्टडी करो इन दियर नेचुरल सेटिंग्स उनकी अपनी जो नेचुरल सेटिंग्स है उनके हिसाब से आप उनको आ, मतलब स्टडी कर सकते हो और विदाउट दियर बिहेवियर बीइंग इन्फ्लुंस बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिसर्चर ठीक और इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है ऑब्जर्वेशन डाटा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी ऑब्जर्वेशन डाटा जो है वो यूजुअली मुश्तमिल होती है आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप और सिचुएशन यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो होती है और जो ये ऑब्जर्वेशन डाटा होता है ये यूजअली मुश्तमिल होता है आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए और इन पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ठीक और इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो है ऑब्जर्वेशन इन रिसर्च यानी जो ऑब्जर्वेशन है ये एबल करता है एक रिसर्चर को टू स्टडी ग्रुप्स ऑफ पीपल टुगेदर जो लोग होते हैं ग्रुप्स में उनको स्टडी करने के लिए ठीक और इट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स यानी ये इंडिपेंडेंट होता है रेस्पोंडेंट्स के लिए दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सीटेबल इन स्टडीज विच डील विद सब्जेक्ट हु आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग वर्बल रिपोर्ट ऑफ देयर फीडिंग तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज आप इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो ऑब्जर्वेशन मेथड है और इसमें जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड ये एक एक्सपेंसिव मेथड है ठीक द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस मेथड जो इन्फॉर्मेशन इस मेथड के जरिए हासिल होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि ये प्राइमरी क्योंकि इसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं ठीक और जो सस्पेक्टेबल टू ऑब्जर्वर जो है सस्पेक्टेबल ऑब्जर्वर जो है जो इसको आप हसास बोलते हो उसका जो तासुब होता है एंड ऑब्जर्वर जो होता है इन्फ्लुएंस इसलिए हम कहते हैं कि जो सस्पेक्टेबल टू ऑब्जर्वर बेस एंड ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस इन्फ ए सब्जेक्ट में इंटेंशनली अटेम्प्ट टू एग्जिबिट आर्टिफिशियल बिहेवियर आर्टिफिशियल बिहेवर वेन ही आर शी नोज दैट ही आर शी इज बींग ऑब्जर्वड तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड इसके कुछ टाइपस और इसके कुछ एडवेंटेज और इसके कुछ डिसएडवेंटेजेस थैंक्स फॉर टुडे